पानी में स्मृतियां संचित होती हैं। पानी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने सुनने के बाद पानी पानी हो जाना स्वाभाविक था। पानी ऐसा पदार्थ है जिसने अपने भीतर हजारों रहस्य छिपाए हैं। वर्तमान की वैज्ञानिक पतासाजी इसका 1% भी पता नहीं कर पाई है। भारतीय योग विज्ञान को सांप्रदायिक के नजरिए से देखने वाले तर्कवादी लोगों के लिए पानी पर चिंतन करना यह आवश्यक है। जबकि भारतीय पूजा प्रणाली में जल के महत्व को अस्वीकृत नहीं किया जाता, यहाँ तक कि विवाह संस्कार में भी जल को एक महान साक्षी की तरह रखा गया है। पानी ग्रहण संस्कार का रहस्य जब जानने की कोशिश की तो समझ में आया कि जल में नवयुगल हाथ बांधकर एकात्म हो जाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? विज्ञान की खोज बताती है कि पानी में संप्रेषण प्रभाव भावात्मक जुड़ाव को संचित करने के लिए 440,000 पैनल्स होते हैं। अब संचित सूचना का क्या होता है? संचित सूचना का विस्तार होता है और यह विस्तार एक साक्ष्य के रूप में संचित रहता है। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु का कहना है कि वह एक बार 3 माह के प्रयोग प्रवास पर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जाना चाहे वह आ सकता है। सदगुरु बताते हैं कि परिवार से उनकी मुलाकात हुई, उनके घर भी गए थे। उस परिवार की गृहिणी सदगुरु से काफी नाराज थी। सामाजिक सत्कार की औपचारिकता की पूर्ति के लिए वे पानी लेकर सदगुरु के समक्ष पहुंची। सदगुरु उनकी मनोभाव ना समझ चुके थे। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके इस पानी को ना पी सकूंगा। गृहिणी ने प्रति प्रश्न किया, मैंने इसमें कोई जहर नहीं मिला दिया है सदगुरु, आप जल ग्रहण कीजिए। सदगुरु ये जानते हैं कि जल में नकारात्मकता का भाव ट्रांसमिट होता है, अतः उन्होंने कहा, माँ लाइए, और गिलास उठाकर उन्हें वापस पीने के लिए दे दिया। गृहिणी ने पानी ग्रहण किया। अद्भुत मिठास युक्त पानी को पीकर उन्हें चमत्कार का एहसास हुआ। फिर सदगुरु ने उनको समझाया कि आप क्रोध में थी, आपको तनाव था कि आपके पति मेरे साथ 3 माह के लिए बाहर प्रवास पर जा रहे हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी उनका प्रमुख दायित्व है और वह 3 महीने तक अकेली इस जिम्मेदारी को कैसे निर्वहन करेंगे। गृहिणी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही कहा सदगुरु, पर वही पानी मैंने पिया तो मीठा क्यों लगा, जैसे शरबत हो। सदगुरु ने बताया कि भावनाएं पानी से सबसे जल्दी ट्रांसमिट होती हैं। आपका क्रोध ट्रांसमिट हो रहा था और मेरी ओर से स्नेह ट्रांसमिट हुआ। यह बोध कथा आपको कहानी लग सकती है, परंतु हम जब घर से निकलते हैं तो अपनी बोतल अपने साथ लेकर निकलते हैं। कई आध्यात्मिक लोग अपना गिलास भी साथ लेकर निकलते हैं। मेरे आध्यात्मिक गुरु भाई चांदी का गिलास लेकर चलते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वास्तव में चांदी स्वच्छता और शुद्धता का प्रतीक है। प्रतीक है, उसमें जल शुद्धिकरण के पर्याप्त तत्व मौजूद होते हैं, उसे आसानी से साफ किया जा सकता है। चांदी में भावनाओं के ट्रांसमिशन को रोकने की क्षमता होती है, परंतु अन्य धातुओं में ऐसा नहीं होता। चांदी सोना ही इस विशेषता के लिए आदिकाल से पहचाने जाते रहे हैं। उनका कहना था, मेरा मानना यह है कि अपना पानी, अपना गिलास, अपनी भावनाएं, ट्रांसमिशन की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, फिर वह गिलास कभी किसी धातु का बना हो क्या फर्क पड़ेगा। मित्र ने यह तथ्य स्वीकारा। अभ्यास के कारण आज भी वे अपनी चांदी के गिलास में ही पानी पीते हैं। ऐसे कई योगी हैं जो पानी के लिए या तो अंजूरी का प्रयोग करते हैं या अपने पात्र का। हम नदियों को क्यों पूजते हैं, यह भी एक प्रमुख प्रश्न है। ना पूजें तो कोई आवश्यकता नहीं, मोक्ष की प्राप्ति नदी के बिना पूजा के भी हो सकती है, परंतु हम नदी के समक्ष जाकर उसके जल के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा और आप ऐसा करते भी होंगे, अगर आप सनातनी हैं तो नदी के तट पर जाकर नदी को सिर नवाकर या तट पर मत्था टेक कर प्रणाम करते हैं, है ना, यही होता है। आप अपनी पवित्रता का स्वयं में विस्तार करते हुए नदी के समक्ष उन भावनाओं को व्यक्त करते हैं और भी वे भावनाएं जल के सूचना कोश में संचित हो जाती हैं। ऐसा हमारा भारतीय योग विज्ञान कहता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं और करते हैं, तभी तो हम उस परंपरा को पाल रहे हैं। H2O अर्थात पानी मनुष्य जीवन का मूल आधार है। पानी के बिना किसी भी प्राणी का धरती पर जन्म नहीं हो सकता, चाहे वह अमीबा क्यों ना हो, चाहे वह मनुष्य या डायनासोर मैमथ क्यों ना रहे हो, जीव की उत्पत्ति का आधार जल ही तो है। पानी एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में अर्थात ठोस, तरल और वाष्प के रूप में पाया। यह हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं। पानी में ऊर्जा होती है, पानी के बहाव में ताकत होती है,
ऐसे बिंदुओं का परिचय तब मिला जब हम फिजिक्स के प्रारंभिक अध्ययन कर रहे थे। दिन भर में हजारों विचार हमारे मस्तिष्क में उभरते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। पानी को लेकर लगभग एक वर्ष से कुछ प्रयोग कर रहा हूँ। इन प्रयोगों से मुझे महसूस हो रहा है, अगर कोई निर्जीव पदार्थ हमारे जीवन क्रम में प्रभावित होता है तो वह पानी है। जीवन और प्रकृति का 70% हिस्सा पानी ही तो है। हमारे 1300 से 1400 ग्राम के मस्तिष्क में 80% पानी का योगदान है। सुबह सुबह सूरज को अर्घ देना कोई नाटक नौटंकी या सनातनी धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह वह वैज्ञानिक प्रैक्टिस। सूरज को अर्घ देने का तरीका भी बड़ा सहज है। आप लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर अपने मस्तिष्क के ऊपर ले जाइए और फिर उसे सहज रूप से धीरे धीरे जमीन पर गिराइए। सूरज से आने वाली किरण सूर्योदय के समय पराबैंगनी किरणों से अपेक्षाकृत कम युक्त होती हैं। इस दौरान पानी से निकलकर हमारे शरीर पर पड़ने वाली सूर्य किरणें हमें शुद्ध विटामिन डी उपलब्ध कराती हैं। चिकित्सकों को मालूम है विटामिन डी का हमारे लिए कितना महत्व है। आप भी जानते हैं, इसके विस्तार में न जाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य को अर्घ देना कोई धार्मिक बाध्यता नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बाध्यता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाली आबादी अगर किसी नदी के किनारे है और नदी में ही स्नान करती है तो आपने उन्हें सूर्य नमस्कार करते हुए देखा होगा। ऐसा भाग्यवान लोग अक्सर अंजुरी भर भर के सूर्य को पानी देते हैं। क्या सूर्य तक पानी पहुंचता है? तर्कशास्त्री और वाम विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग इसे अवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। सत्य क्या है, इसका उल्लेख पहले ही कर चुका हूं। अमृतसर का अमृत छकना, मंदिर से जलामृत ग्रहण करना क्या है? इस बिंदु पर विस्तार से जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वैज्ञानिक शोध प्रबंधों में वैज्ञानिकों ने कहा है, पानी के प्रति क्लस्टर में 440,000 मेमोरी पैनल्स होते हैं। इन पैनल्स में सूचनाएं रिसीव करने की अद्भुत क्षमता होती है जो अन्य तत्वों से प्राप्त प्रभाव को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। ये तो केमिकल रिएक्शन हुआ, परंतु क्या आप जानते हैं कि भावात्मक अभिव्यक्ति भी पानी के स्वरूप में बदलाव ले आती है? सकारात्मकता अभिव्यक्ति और नकारात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव पानी में समाहित होता है और वह परिवर्तित भी होता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाव स्थानांतरित भी हो जाता है। अभी आप हम सब नर्मदा तट पर प्रतिमा विसर्जन के लिए जाएंगे। बहुत से लोग आध्यात्मिक और धार्मिक आचार संहिता का पालन किए बिना विसर्जन प्रक्रिया में भी भाग लेंगे। मैं उन्हें सचेत कर देता हूँ कि वे प्रतिमा विसर्जन के लिए उन नियमों का पालन करेंगे जिससे न तो नदी का पानी भौतिक रूप से अशुद्ध हो और ना ही आपकी नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो, बल्कि उसकी भौतिक और पराभौतिक शुद्धि का स्वरूप यथावत रहे। पानी को लेकर आध्यात्मिक चिंतक एवं साहित्यकार क्या सोचते हैं? भारतीय जीवन दर्शन को परिभाषित करने वाले संत कवि कबीर कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा मानस की जात, पानी केरा बुदबुदा मानस की जात, देखत ही बुझ जात है जो तारा प्रभात, देखत ही बुझ जात है जो तारा प्रभात। नमस्कार।